नाम बताओ अपना। हमारी मॉडल कास्टिंग चल रही है। एक वीडियो और बनाई किसी लड़की ने, बिल्कुल ऐसे ले रहा। पापा का आ गया सुबह सुबह जूस, मम्मी ले आती हैं सुबह ही बिल्कुल, और अभी 6:30 हो रहे हैं। पापा को पहले पानी फिर जूस है। सवेरे दुकान खुल जाएगा। सही है, पी लो पापा। तो गाइस आज है मेरा शूट लाजपत नगर में। मैंने पहना है ये, आप देख सकते हो। तो लाजपत नगर में है आज मेरा शूट। मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ शूट को लेकर, क्योंकि काफी टाइम बाद ये वाला शूट आया है। कपल शूट होगा हमारा, तो वही करने जा रहा हूँ मैं। मिलते हैं शूट पर आपसे। अभी मैं कैब बुक कर लूँ अपनी, नीचे कैब आने वाली है बस, बुक करने के बाद। गाइस मैं लाजपत नगर पहुंच गया हूं, अपनी शूट लोकेशन पर जाना है बस मुझे। गाइस अभी सुबह सुबह मार्केट खुला भी नहीं है, मुझे अंदर इतने में घूम लेता हूं, अभी टाइम है। तो गाइस मैं शूट लोकेशन पर पहुंच गया हूं। तो गाइस अब मेरा होगा मेकअप स्टार्ट। मिस आउटफिट, मेरा पेट भी दिख रहा है, ये थोड़ा ऐसा है चमचम। स्मूथ लग रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग से किया। स्किन पे वो कुछ लाइट ब्लैक आई है या कुछ? हाँ, तो एक दो कुछ सेशन करती हूँ एडिटिंग। हाँ, जो भी। हाँ, मैं क्या करूँ? और गाइस ये था मेरा सेकंड आउटफिट, बताना कैसा लग रहा है। और गाइस मुझे पता है आप सब व्लॉग देख रहे हो बट लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है पहले एक लाइक कर दो, उसके बाद देखना पूरा व्लॉग, आपको बहुत मज़ा आएगा। अरे हम और गाइस फिर हो गया हमारे लंच टाइम। मैंने मंगाया था सबवे से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनहेल्दी मिल रहे थे, छोले भटूरे ये वो, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा। और गाइस ये सूट है लाजपत नगर में, और आप देख सकते हैं इतने सारे आउटफिट अभी बाकी हैं, बहुत ज़्यादा, ये कम से कम महीनों चलेगा। और ये था मेरा चौथा पांचवा पता नहीं कौन सा आउटफिट था,
ये भी बताना कैसा लग रहा है। और फिर आ गया मेरा ये वाला आउटफिट, इसको तो मैंने 3 बार पहना और 3 टेक लिए, क्योंकि इसका मेरे साथ कपल शूट भी था साड़ी में, वो भी मैं डालूंगा। ये भी आउटफिट बताओ गाइस कैसा लग रहा है। और गाइस फिर ये पहना मैंने, डार्क ग्रीन था ये, पता नहीं लाइटिंग की वजह से कैसा कलर आ रहा था गाइस। और यहाँ पर इतना अच्छा फैब्रिक मिलता है, इतना अच्छा फैब्रिक मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और गाइस सबसे अनकंफर्टेबल ये वाला आउटफिट था, ये मुझे पसंद नहीं आया, बहुत बेकार लगा। और ये वाला बताओ गाइस, कमेंट करते जाना आपको कौन से नंबर का आउटफिट अच्छा लगा, मैं रिप्लाई करूंगा और बताऊंगा ये कहाँ पे है। तो मैं होऊंगा यहाँ से 7 बजे फ्री, और सुबह मैं कितने बजे आया था, 11 बजे यहाँ पर आया था, 11 बजे से अभी तक अभी हमारा शूट कम्प्लीट नहीं हुआ है। हमारी मॉडल, नाम बताओ अपना। हंस क्यों रही है, नाम बता, कास्टिंग चल रही है तेरी। मुंबई जाएगा ना ये। मैडम पॉज नहीं देना, अपने बारे में बताओ। नहीं प्लीज यार, बहुत अच्छा कॉन्शियस, कैमरा कॉन्शियस है। तुम मुंबई नहीं जा रही हो। चल झूठा, दिल टूट गया। गाइस अब आउटफिट चेंज करने का टाइम आ गया, मेरे को अपने कपड़े पहनने का टाइम आ गया है। बताना ये वाली शेरवानी कैसी लग रही है, इंडो वेस्टर्न है, शेरवानी है पता नहीं। हमारा हो गया पैकअप, बाय, अच्छा लगा काम कर। इतनी मंदी क्यों, इतनी मंदी क्यों बोलते हैं भैया। रात हो गई, रात हो गई यार, रात हो गई। तुमने कितनी मेहनत करी, तुमने पूरा मैंने मेहनत करी है। लड़का मेहनती है वैसे आकाश। अच्छा तू मेहनती नहीं है, तू तो थक गई, थक गई। तो खुद बोल बोल के ये दे दो वो दे दो ये काम दे यार। मैं पता है मैं काम ऐसा करता हूँ, बंदा सामने वाला सेटिस्फाई हो जाए बस। तू फर्स्ट आई थी, तूने भी बोल बोल नहीं बोल सकती ना। क्योंकि क्या है, इनको अभी तक शूट कर लेगी बहुत छोटे छोटे कपड़ों में भी, और हीटर मांगेगी फिर। चल चल मैं अपनी कर लेता हूँ कैब बुक, बहुत रात हो गई। मेकअप देखना इतना कर दिया, इतना ज्यादा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर इतना ज्यादा कर दिया, आंखों में भी भर रहा है, चुभ भी रहा है। जहाँ से मूड हो ये स्प्रे स्प्रे मुझे बहुत गंदा लगता है ये, पर क्या करें, करना पड़ता है यार। गाइस देखो 8 बज रहे हैं, मैं हूँ लाजपत नगर में दिल्ली, ये है लाजपत नगर स्टेशन। अभी थोड़ा सा मार्केट में घूम लेते हैं, दीदी मम्मी के लिए थोड़ा सामान ले ले। तो गाइस 9:00 हो रही है मेरी लाजपत नगर में शॉपिंग, और देखो क्राउड बहुत कम है, मतलब भीड़ बहुत कम है, डे में तो बहुत ज़्यादा रहती है। इस रात में बिल्कुल भी क्राउड नहीं है लाजपत नगर में। अब मैं दीदी के लिए और मम्मी के लिए यहाँ से कुछ देखता हूँ क्या मिलेगा अच्छा सा। तो पहले बेड सीट देख लूँ, नहीं बेड सीट तो मम्मी ही लेंगी यार। मम्मी के लिए तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लूँ, दीदी के लिए कुछ देख लेता हूँ, लेकिन यार चप्पल के साइज का नहीं पता मुझे। तो गाइज मैंने किसी के लिए नहीं लिया, मैंने लिया अपनी भांजी के लिए, क्योंकि वो 2 साल की हो जाएगी, 16 को उसका बर्थडे है, और ये ड्रेस मैं उसको तभी पहनाऊँगा, देखते हैं कैसी लगेगी। अभी रिवील नहीं करूंगा और बताऊंगा भी नहीं कौन सा कलर लिया है। मम्मी के लिए भी नहीं लिया कुछ भी, और दीदी के लिए भी। सब लोग तो उठ गए हैं, मतलब मार्केट वैसी खुल रही है, सेल में नहीं मिल रहा कुछ भी। मैं तो सेल में लगा होता तो लेता भैया, मैं नहीं ले रहा दुकानों से, इतना महंगा महंगा, और इन पे तो 50% ऑफ चल रहा है। तो गाइस मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि 10 बज रहे हैं, और मैं हूँ परी चौक पे, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ से ऑटो में जाता हूँ सूरजपुर, फिर जाऊँगा अपने घर। तो गाइस मैं पहुँच गया हूँ घर, और मेरी मेहनत आप देख ही रहे हो। और मम्मी मैं अभी आया हूँ, मम्मी मम्मी बैठी है, अब मुझे खाना तो दे दो यार। चल बना। और गाइस मेरा ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मॉडलिंग ऐसे करते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा मॉडलिंग का भी बताऊंगा, नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। जो भी नए मॉडल्स हैं, आपको लगता है मेहनत करनी चाहिए, मतलब आपको लगता है कि मॉडलिंग में कुछ मेहनत नहीं है, बहुत मेहनत है, देखना
इस पर इतना ज्यादा हाथ भी नहीं निकल रहा है। और मम्मी क्या लगा दे बहुत ज्यादा। अब सिर धोएगा ना? सुबह धोऊंगा। अब मत धोइए बेटा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी मुझे ब्लॉग एडिट करना है और 11 बज रहे हैं, अभी मैं घर पहुंचा हूँ। बाय बाय।